myself Nivaran, class 5th, subject social science, chapter 2. Today's topic is heat zones of the earth. जैसा कि आप अर्थ से ही समझ रहे होंगे कि अर्थ पर हीट जोन्स हैं। अर्थ पर हीट जोन्स, व्हाई इज द हीट जोन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पर हीट जोन क्यों हैं? जब हीट जोन है तभी पृथ्वी पर लाइफ इज पॉसिबल ऑफ द ऑन द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम द सपोर्ट्स लाइफ, यानी पृथ्वी ही केवल एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जिस पर हमारा जीवन संभव है, जीवन है। बिकॉज इट हैज एयर वाटर एंड सॉइल, पृथ्वी पर एयर वाटर और सॉइल है। इट आल्सो गेट जस्ट द राइट amount of sunlight so that the temperature is perfect for water to be present in the liquid form. ये इस पर air, water और soil है, ये पृथ्वी पर sunlight का बहुत बड़ा amount है, बहुत बड़ी संख्या में sunlight प्राप्त करता है, जिसके कारण temperature वाटर टू बी प्रेजेंट ऑन लिक्विड फॉर्म, जो कि वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये टेम्परेचर के द्वारा ही ये चेंजिंग होता है। बट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ डू नॉट हैव द सेम टेम्परेचर, लेकिन पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर ये टेम्परेचर सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। द अर्थ इज राउंड इन प्लेस, पृथ्वी शेप में राउंड है, सच एज यू आर सीन एज अ ग्लोब, पृथ्वी प्रत्येक जगह पर, ये पृथ्वी की जो शेप है वो राउंड है, जैसे कि आप ये ग्लोब में देख रहे हैं, जैसे ग्लोब ही राउंड है। द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी ग्लोब ही पृथ्वी का एक सच्चा नमूना है। यू आर सीन दिस ग्लोब, दिस ग्लोब इज राउंड सच एज अर्थ, इस ग्लोब के ओनली पृथ्वी की तरह ही है, जिस तरह पृथ्वी है वैसे ये ग्लोब है। ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट, सभी पार्ट पृथ्वी के सभी पार्ट पर सूर्य की किरणें एक समान प्राप्त नहीं होती हैं। इन प्लेसेस नियर द इक्वेटर, ये बीच में इक्वेटर होता है, एक ग्लोब पर ऑन द ग्लोब यू आर सीइंग दी लाइंस लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइंस के द्वारा इसमें किसी प्लेस की लोकेशन को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो बीच बीच में ये पैरेलल लाइन है, ये लॉन्गेस्ट पैरेलल है, इज कॉल्ड इक्वेटर, ये इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर इक्वेटर पर सनरेज डायरेक्ट फॉल ऑन इक्वेटर, यू आर सीइंग दिस मॉडल, इस पर आप देख रहे हैं बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर के पास का एरिया, इक्वेटर के जस्ट ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जस्ट बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दिस मिडिल एरिया नियर द इक्वेटर एरिया इज कॉल्ड टॉरिड जोन। टॉरिड जोन हैज मैक्सिमम सनलाइट वाय द सन, इस एरिया पर सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, इस कारण ये सूर्य डायरेक्ट किरणें कम क्षेत्र पर पड़ने के कारण, स्मॉल एरिया पर पड़ने के कारण यहाँ पर हीट अत्यधिक होती है, इस कारण यहाँ पर इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी रहती है। नेक्स्ट आता है टेम्परेट जोन,
in top side north temperate zone and south side bottom side south temperate zone. In zones par sun rays lie some serenity. इस पर कुछ सूर्य किरणें कुछ तिरछी पड़ती हैं, कुछ तिरछी पड़ने के कारण ये अत्यधिक क्षेत्र में सूर्य किरणें पड़ने के कारण यहाँ पर हीट कम रहती है, इसलिए इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन या साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं. एंड टॉप नॉर्थ साइड नॉर्थ पोल ऑन द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड फ्रीट जोन. इस जोन लाइज सनलाइट सनरेज वेरी सरेंटी, बहुत ही तिरछी पड़ती है, बहुत ही तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर अत्यधिक ठंड रहती है, गर्मी बहुत कम रहती है, इसलिए यहाँ पर जो भी पानी की मात्रा होती है वह फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, इसलिए इसका नाम फ्रीज जोन कहलाता है, अत्यधिक ठंड पड़ती है. नेक्स्ट I am describe for you detail in these zones. The earth is round, so all parents of the earth do not get the same amount of sunlight in plain near the equator. The rays of the sun fall almost vertically. In par surya ki kirne vertically yani seedhi padti hain, so a lot of sunlight hits an area causing considerable heat in the higher latitudes away from the equator. The sun rays fall slanted on the ground. In पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जहाँ पर slanted पड़ती हैं वहाँ पर heat कम होती है. Spreading over a large area और ये बहुत बड़े area में फैलती हैं causing mild heat. Near the poles और poles के पास में the rays fall at a greater slant, they spread out very wide, hitting very little. और जिस एरिया पर बहुत अधिक क्षेत्र में सन रेज पड़ती हैं, इन स्लैंटी रेज के कारण यहाँ पर हीट बहुत कम होती है. The parallels of latitudes divide the into earth into different heat zones. पृथ्वी को विभिन्न हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है. There are three main types of heat zones. जैसे कि अभी आपको zones के बारे में बताया था. Mainly three heat zones: torrid heat zones, temperate heat zones, and freeze heat zones. One, the torrid zone. The word torrid means hot. Word torrid का means ही hot है. जैसा कि आपको अभी मॉडल में दिखाया गया था कि बीच मिडिल प्लेस ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड टॉरिड जोन बिकॉज ड्यू टू डायरेक्ट रे ऑन दिस एरिया टॉरिड जोन वाय द सन रेज प्लेसेस ऑन द इक्वेटर और दोज वेरी क्लोज टू इट गेट डायरेक्ट रेज ऑफ द सनलाइट इन सन फॉर ऑल और मोस्ट ऑफ द ईयर इन पूरे वर्ष अधिकांशतः पूरे वर्ष के लिए सूर्य की किरणें इस एरिया पर डायरेक्ट पड़ती हैं सो दिस एरिया इज हॉट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन इसलिए इस एरिया को टॉरिड जोन कहते हैं द टॉरिड जोन्स लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जैसे कि आपको अभी दिखाया गया था ग्लोब पर कि टॉरिड जोन के ऊपर वाली पैरल लाइंस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड साउथ साइड यानी बॉटम साइड लाइंस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज मिडिल एरियाज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरिड जोन नेक्स्ट विद इन द टॉरिड जोन द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉट एंड ह्यूमिड ऑल द ईयर राउंड दीज प्लेसेस आल्सो गेट हैवी रेन ऑल ईयर और इस
इन क्षेत्रों पर हैवी रेनफॉल, पूरे वर्ष हैवी रेनफॉल होती है एंड देयर इज नॉट मच चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन, और ये सीजन टू सीजन चेंज देयर इज नॉट मच चेंज, ये सीजन से सीजन अत्यधिक चेंज नहीं होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड टूवर्ड्स द ट्रॉपिक्स द रेनफॉल डिक्रीजेज एंड देयर आर वेट एंड ड्राई सीजन्स, और ये यहाँ पर थोड़ा नम और शुष्क मौसम रहता है। द क्लाइमेट बिकम्स लेस हॉट एंड चेंज इन सीजन्स कैन बी फेल्ट, और यहाँ की जलवायु थोड़ी गर्म और ये थोड़ी ऋतु मौसम चेंज होती रहती है। द टेम्परेट जोन्स द बल्ड टेम्परेट मीन्स मिल्ड, यानी बल्ड टेम्परेट का मीन्स मिल्ड है और नॉट हार्श, ये बहुत अधिक कठोर नहीं है, ये बीच की जलवायु है। द टेम्परेचर जोन्स आर नॉट वेरी हॉट, टेम्परेट जोन्स जो है बहुत अधिक गर्म नहीं है। दिस इज बिकॉज द रेज ऑफ द सन इन दी जोन्स फॉल स्लेंटेड एंड कॉज लेस हीट देन इन द टॉरिड जोन, ये बिकॉज द रेज द सन, सूर्य की किरणों के किरणें इन दी जोन इन जोन्स पर फॉल स्लेंटेड से स्लेंटेड तिरछी गिरती हैं, तिरछी पड़ती हैं एंड कॉज लेस हीट, और यहाँ पर कम हीट के कारण देन इन द टॉरिड जोन, टॉरिड जोन से कम हीट पड़ने के कारण इन द टेम्परेट जोन्स द फोर सीजन्स स्प्रिंग, इस पर चार प्रकार की ऋतुएँ होती हैं, इसे स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर आर क्लियरली फेल्ट, चार प्रकार की ऋतुएँ यहाँ होती हैं। देर आर टू टेम्परेट जोन्स, दो टेम्परेट जोन होते हैं, द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल का मिडिल पार्ट, दीज पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का पार्ट मिडिल पार्ट इज कॉल्ड साउथ टेम्परेट जोन। नेक्स्ट द फ्रीज जोन्स, द बर्ड फ्रीज मीन्स वेरी कोल्ड, यानी फ्रीज जोन बर्ड फ्रीज बर्ड से का ही मीन्स बहुत ठंडा है, यानी फ्रीज मीन्स जमना, यहाँ पर ये सब कुछ वाटर जितना होता है सब जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, इसके बर्ड से ही मीन्स लग रहा है ये बहुत ही कोल्ड है। इन द फ्रीज जोन द रेज ऑफ द सन फॉल एट अ ग्रेट स्लेंट, यहाँ पर सूर्य किरणें बहुत अधिक तिरछी पड़ती हैं। दिस कॉज देम टू स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, इस कारण ये बहुत बड़े एरिया पर फैलती हैं। सो दी जोन्स गेट वेरी लिटिल हीट एंड आर ऑलवेज कोल्ड, जैसे कि आप अपने यहाँ पर भी देखते हैं, सनराइज टाइम योर शेडो इज वेरी लॉन्ग एंड सनसेट टाइम योर शेडो इज वेरी लॉन्ग, बट आफ टाइम ड्यूरिंग आफ्टरनून टाइम योर शेडो इज वेरी शॉर्ट, अर्थात यानी दोपहर के समय सूर्य की किरणें कम एरिया पर पड़ती हैं, कम एरिया पर पड़ने के कारण, डायरेक्ट पड़ने के कारण वहाँ अत्यधिक गर्मी होती है, और सूर्य किरणें तिरछी पड़ने के कारण, तिरछे मीन्स शैडो बहुत बड़ी होने के कारण बहुत लंबे एरिया पर पड़ती हैं, इसलिए वहाँ गर्मी कम होती है। द समर्स आर कूल, यहाँ पर गर्मी ठंडी होती है एंड द विंटर्स आर फ्रीजिंग कोल्ड, और जाड़े की सीजन तो फ्रीज कोल्ड यानी जमी हुई ठंड होती है। मैनी प्लेसेस आर कवर्ड इन स्नो ऑल ईयर, अनेकों स्थानों पर पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है, जब बर्फ से ढका रहता है। देर आर टू फ्रीज जोन्स, फ्रीज जोन भी दो हैं,
The North Fritz Jones stretches from Arctic Circle to the North Pole. North Fritz Zone Arctic Circle से North Pole तक all places to the north of the Arctic Circle lie in this zone. इस जोन में होते हैं. The South Fritz Zone stretches from the Antarctic Circle to the South Pole. यानी South Fritz Zone जो है वह Antarctic Circle से South Pole तक होता है. All places to the south of the Antarctic Circle lie in this zone. सभी स्थानों पर अंटार्कटिक साउथ के सभी स्थानों पर अंटार्कटिक सर्कल के सभी स्थानों पर ये जोन पड़ा हुआ है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.